अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सानपाड़ा वासी के प्रभाग 77 एवं 78 में कोरोना की सामूहिक जांच नगर सेविका वैजंती भगत एवं रूपाली भगत की मांग पर मनपा ने लगाया कैंप। सानपाड़ा के प्रभाग क्रमांक 77 एवं वासी के प्रभाग क्रमांक 78 में शुक्रवार को कोरोना की सामूहिक जांच की गई। स्थानीय नगर सेविका वैजंती दशरथ भगत एवं रूपाली निशांत भगत की मांग पर नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा यह कोविड 19 कैंप जयपुरियर स्कूल में लगाया गया था, जहां दोनों प्रभागों के 600 से अधिक नागरिकों की मुफ्त स्क्रीनिंग और स्वैब टेस्टिंग की गई। बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि कैंप कोरोना संक्रमण से भयभीत नागरिकों को राहत दिलाने और उनका मनोबल बढ़ाने के मकसद से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में कोविड 19 के लक्षण दिखेंगे उन्हें सही समय पर उपचार उपलब्ध कराना ही हमारा मकसद है। नई मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के माध्यम से कॉरपोरेटर वैजयंती भगत और कॉरपोरेटर रूपाली भगत, इनके डिमांड अनुसार यहाँ पे आज जयपुरियार स्कूल में मास्क स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया हुआ है। अच्छी तरह से लोग यहाँ पे अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपना खुद का स्क्रीनिंग करने के लिए मास्क स्क्रीनिंग कैंप में आ रहे हैं और डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर लोग और उनका स्टाफ अच्छी तरह से हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं। लोग अपना खुद का ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और वो हिसाब से उनको गोलियां दवाइयां और सभी उनको खांसी है तो वहाँ पे लिक्विड उनको दिया जा रहा है। तो मैं कॉरपोरेशन डीवाई पाटिल हॉस्पिटल और जयपुरिया स्कूल जिन्होंने ये जगह कैंप के लिए उन्होंने अवेलेबल करके दी, इसके लिए मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बता दें कि नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले 4,500 के करीब पहुंच गए हैं। नागरिक इसे लेकर आशंकित हैं, हालांकि नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन कोविड नियंत्रण के उपायों में जुटा है ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।